हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप एक टेस्टी और आसानी से बनने वाले नाश्ते की तलाश में हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इन्हें कैसे टेस्टी बनाया जाता है। चाहे आप एक अनुभवी रसोईया हो या एक नौसिखिया हो, ये सारी नुस्खा जरूर आपको प्रभावित करेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए तवा गर्म कर लेंगे और फिर उसमें ऐड कर देंगे टैपियोका पर्ल्स यानी कि साबूदाना, जो हर घर में ये रहते ही है। तो मोटा वाला जो साबूदाना है, मैं उसी का यूज कर रही हूँ। तो साबूदाना को पहले हमें अच्छे से भूनना है। भूनने का वजह यह है कि साबूदाना अच्छे से गर्म हो जाए। इसका कलर हमें चेंज नहीं करनी है, इसका टेस्ट भी हमें अलग नहीं करना है। बस साबूदाना थोड़ा सा गर्म हो जाए, तब गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और फिर मिक्सी में डाल के इसका एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो साबूदाना जब गर्म हो जाए तभी आपको गैस का फ्लेम ऑफ करना है, और तवा को पहले से ही गर्म कर ले तो काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, पर इसे लगातार चलाते भी आपको रहना है। तो यहाँ पर मैंने साबूदाने का पाउडर निकाल लिया है और जो मोटा वाला पोर्शन है वो छन्नी में अटक गया है, तो इसे छान के जरूर ले। मोटा वाला पोर्शन हमारे कोई काम के नहीं है। अब इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार, फिर इसमें डाल देंगे थोड़ी सी जीरा, साथ में हमें चाहिए मैदा, ये मैंने एक बड़ा चम्मच मैदा लिया है, साथ में हमें चाहिए कटा हुआ धनिया, फिर इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए आलू जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है, और ये एक मीडियम साइज की आलू मैंने यहाँ पर लिया है। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो मैदा और आलू मैंने डाला है ये बाइंडिंग के लिए, और ये जो पाउडर हमने बनाए हैं साबूदाने के साथ, तो साबूदाना का काम क्या होता है, बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा पानी सोख कर लेता है। तो पानी डालने से पहले सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर ले, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जितना आपको पानी ज़रूरत हो उस हिसाब से थोड़े थोड़े डालते हुए इसका हमें एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। ध्यान रखिएगा, साबूदाना पानी को बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा सोख करता है, तो इस वजह से पानी का शॉर्टेज हो सकता है। तो एक ही बार में पूरा ना डालें, धीरे धीरे करते हुए डालिए, और इसका एकदम सॉफ्ट सा डो हमें बनाना है। पर स्टिकी डो हमें नहीं चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, वैसा डो हमें यहाँ पर बनाकर तैयार करना है। तो जैसे मैं बना रही हूँ, हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाइए और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसमें से हम डो बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो डो बन गए हैं, ये हाथ में चिपक नहीं रहा है, मतलब ये स्टिकी डो नहीं है लेकिन सॉफ्ट डो है। तो इसे 10 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम पे रख देंगे, और 10 मिनट के बाद ऊपर से थोड़ा सा और तेल डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये एकदम स्मूथ बन जाए। अब इसमें से हम छोटे छोटे बॉल्स निकाल लेंगे, जितना हमें बनाना है, जैसे पोर्शन हमें चाहिए उस हिसाब से हमें बॉल्स यहाँ पर निकाल लेनी है, जैसे मैंने कर दिया है। अब बेलने से पहले ऊपर से थोड़ा सा और तेल डाल दें, बस कुछ बूंदे, ताकि ये चिपके ना। तो तेल डालने के बाद हथेली की मदद से इसको थोड़ा सा फैला दें, और फिर रोलिंग पिन की मदद से इसे हमें फ्लैट करना है। जैसे हम पूड़ी बनाते हैं वैसे ही हमें इसको करना है, पर ये पतला नहीं होना चाहिए, मतलब पराठे जितना मोटा नहीं होने चाहिए और रोटी जितना पतला भी नहीं होना चाहिए। फिर कोई भी शेप कटर लीजिए या फिर कोई भी कटोरी लीजिए और इसका एक शेप निकाल लीजिए, क्योंकि इसका जो साइड है ना वो क्रैक हो जाते हैं, तो उस क्रैक को हटाने के लिए हमें ये काम करना है। फिर कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम लो रख के हमें इसको करना है। अब फ्राई कैसे करना है ये बात भी समझ लीजिए। हम एक साइड से ये अच्छे से फूल जाए, एक साइड इसका अच्छे से बन जाए, फिर इसको हमें फ्लिप करना है, दूसरे साइड को फिर हमें अच्छे से फ्राई करना है। बार बार उलट पुलट करते हुए जैसे हम पूरी को तलते हैं वैसे यहाँ पर नहीं चलेगा, नहीं तो ये फट जाते हैं और इसके अंदर तेल आ जाते हैं। ऐसा मेरे साथ एक हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। दोनों साइड से एक ही बार आप उलट पुलट करते हुए फ्राई करना है। बार बार उलट पुलट करेंगे तो ये फट जाते, क्योंकि इसका हमने शेप निकाल लिया है तो साइड से ये फटने की चांसेस बहुत रहते हैं। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए एक साइड पहले पूरी तरह से हो जाए, फिर इसको फ्लिप कर दें और दूसरी साइड को अच्छे से फ्राई कर ले, और फिर तेल में से निकाल लीजिए और गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। और
यहाँ पर मैंने इसे सर्व कर दिया है थोड़ी सी आलू की सब्जी और मिठाइयों के साथ। आप घर में इसे कैसे सर्व करना पसंद करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दूसरा कोई रेसिपी आपको देखना हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको पसंद आते हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।